शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। श्रवणी बेटा, तुम हार नहीं सकती। दादी, आप? तुमने हमसे वादा किया है, तुम केशव और नेत्रा को मान सम्मान से इस घर में वापस लाओगी, तभी जाके हमें मुक्ति मिलेगी। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और जो सबूत तुझे अपनी मंजिल तक पहुँचाएंगे वो इस घर में है। तू हार मत मानना श्रवणी, इंसाफ की लड़ाई में पीछे मत हटना, जीत के दिखाना। पंडित जी, सारा सामान आ चुका है। जी ठीक है, और उसके बाद महापात्रों को भोजन कराया जाएगा। और हाँ, आपको एक बात का विशेष ध्यान देना होगा, भोजन पूरी तरह से सात्विक होना चाहिए, उसमें लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। महापात्र को दान दिया जाएगा, उसकी सूची हमने भिजवा दिया है, सब कुछ मंगवा लीजिएगा, कुछ छूटना नहीं चाहिए। पंडित जी, सारा सामान आ चुका है और महापात्र के लिए भी वस्त्र आ चुके हैं। जी सुनिए बेटा, जो सामान हम लेके आए हैं वो ले आओ। आप परेशान मत होइए बाबूजी। पंडित जी, आप हमको बता दीजिए, हम सारा इंतजाम करेंगे। पंडित जी, सारा सामान आ चुका है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जो काम करेंगे हम करेंगे। बाबूजी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? गलत है ये। चंद्रा इस घर की बड़ी बहू है, उसका भी हक है। वो हमारी अम्मा थी। हमारी माँ वो बाद में थी, उससे पहले वो हमारी पत्नी थी। और उनके लिए की जा रही क्रिया में कौन कितना शामिल होगा, इसका फैसला करने का हक तुमसे ज्यादा हमको है। चाहे कुछ भी हो बाबूजी, कर तो आप गलत ही रहे हैं। गलत और सही का फर्क तो 10 साल पहले इस घर में खत्म हो चुका है। सुनिए बेटा, जैसा पंडित जी कहेंगे वैसा करते रहना। भावना जी, तुम शवनी का साथ दो, उसका ध्यान रखना, क्योंकि ये जो कुछ कर रही है तुम्हारी माँ के लिए कर रही है। शवनी बेटा, तुम भी पूजा के लिए तैयार हो जाओ, फिर तैयारी करते हैं। नाम में हमारे भले ही चांद है, लेकिन आग हम सूरज वाली रखते हैं। और आज जो आग आपने भड़काई है ना बाबूजी, वही आग अब हमारी प्यारी सासू माँ की 13वीं में लगेगी। हम भी देखते हैं कि उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलती है। काका, दादाजी ने हमसे कहा था कि ना इस घर में लहसुन प्याज आएंगे और ना किसी खाने में डालेंगे, और हमने रसोई से सारे लहसुन प्याज हटवा दिए। जी बेटी। और हाँ, दादाजी हमसे ये भी पूछ रहे थे कि गंगा जल डलवा कर ही हवेली धुलवाइए ना। जी बिटिया, सब हो गया है। अरे ये सब छोड़ दीजिए, आप जाइए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। वो क्या है ना, दादी के साथ का भोग हमें ही बनाना है ना। ठीक है बिटिया। करे ये रुपेश को भी आज ही छुट्टी लेनी थी। भावना दीदी, रुपेश भी आके बाबा बीमार थे ना। हाँ तो आज ही बीमार पड़ना था क्या?
कितना काम करना है हमें, कैसे क्या करेंगे हम? पर भावना दीदी, अगर रुपेश भी होते तो क्या फायदा? भोग तो हमको ही बनाना पड़ता ना, कोई और कैसे बना सकता है? हाँ, हमारी दादी अम्मा जानते हैं, लेकिन वो रहता अगर तो हाथ तो बटा देता था ना हमारा कम से कम। कैसे करेंगे इतना सारा, हमें तो बहुत घबराहट हो रही है। दादी हमारे सपने में किस सबूत की बात कर रही थी? बना, हाँ जल्दी बताओ क्या बात है, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। एक काम करो, प्याज लहसुन लेकर आ जाके। अच्छा, लहसुन प्याज क्या हो गया बाना तुमको? लहसुन प्याज सावन का महीना में हम छूते तक नहीं है लहसुन प्याज, और तुम कह रही हो हम ले करके आ जाएं। पर वैसे भी घर में तेल भी चल रही है बाना। अरे तुम मत छुओ ना, मम्मी में डाल के लेकर आओ जाके। जाओ कहे आके फाड़ फाड़ के देख रहे हो, बाहर आ जाएंगे। माँ जी तो ऊपर निकल ली, श्रवणि को निकालना है कि नहीं? मासूम श्रवणि का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।